हे गाइज, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। गाइज, आज हम थोड़े अजीब अजीब से लग रहे हैं क्योंकि मेरे पति ने लगा रखा है मुंह पे सरसों का तेल। मैंने चंपे करी थी, वो वीडियो बनाना मैं भूल गई क्योंकि मैं रोज करती हूँ, तो मैंने सोचा कि आज क्या वीडियो बनाऊँ। मतलब आज करिए गाइज, साल होने वाला है शादी को, तो साल में सिर्फ 2 बार चंपी हुई और एक बार जो चंपी करी थी वीडियो बनाने के लिए कर दी थी। आज वैसे मैंने उस वक्त भी ऐसे दिल से करी थी, आज भी दिल से करी है गाइस। बात ये होती है ना, मतलब मुझे याद नहीं रहता, तो आज कन्नू ने खुद अपने मुंह से बोला चंपी कर दो, तो मैंने कर दी। ठीक है, तो आज मैंने अपने मुँह में क्या लगाया गाइस, ठंड कितनी कम हो गई है आज। मतलब मैं जब ये ब्लॉग बना रही हूँ तब 3 फेब है, ये ब्लॉग आएगा 4 को, तो यार रात हो रही है और हम दोनों इतने मज़े से घूम रहे हैं। बिल्कुल एक एक मैंने हल्की सी स्वेटर पहनी है, कन्नू ने हल्की सी टी शर्ट और एक वो में पहना है, बस मतलब खुलेआम घूम रहे हैं। मैंने बालों में तेल लगा लिया बिना किसी डर के कि कल बाल धोने हैं, क्योंकि सर गर्मी नहीं है यार, बिल्कुल सर्दी नहीं है बिल्कुल भी। इतना सारा तेल लगाया देखो, और मुंह पे मैंने थोड़ा सा स्किन केयर कर लिया। आपको पता ही मैं क्या लगाती हूँ, चावल का आटा, लाल मसूर की दाल, दूध एंड शहद। बस धीरे धीरे नहीं बताऊँगी क्योंकि कोई कॉपी कर लेगा ये मेरा स्किन केयर है जिससे मेरी स्किन बहुत बेकार हो जाती है एज़ यूजल। तो गाइज, आज हम आपको कुछ बताने वाले हैं। ये वीडियो भी कुछ मेरी तरफ से इन्फॉर्मेटिव है। मैं आज ज़्यादा खुश नहीं हूँ, मतलब मैं तो खुश हूँ अपने पति के साथ, लेकिन मैं वैसे खुश नहीं हूँ, अंदर से थोड़ी मेरी तकलीफें चल रही है, वो मैं आपको आज कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो आज की वीडियो भी कुछ क्रोधित वाली है, तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ उसे, चलो लेट्स गो। तो गाइज, मैंने आपको बोला था जैसा कि मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है, तो मैं क्या बताऊँ, गुस्से वाला नहीं है, आई एम सो सॉरी गाइज, मैंने आपको पहले बोल दिया गुस्से वाला है, कुछ भी ऐसा गुस्से वाला नहीं है। मुझे आपको कुछ चीज़ शेयर करनी थी जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइज, और आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है गाइज। मैं आपको क्या बताऊँ गाइज, मैंने अपनी शादी के तुरंत बाद एक न्यू चैनल ओन किया था, मतलब अपने यूट्यूब पर एक नया चैनल है, उसको मैं रिवील अभी नहीं करूँगी, आने वाली वीडियोज़ में मैं रिवील करूँगी गाइज। उसका मोनेटाइजेशन का मैसेज आ चुका है मेरे पास, मेल आ चुकी है, और मतलब मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो सकता है। तो मेरे चैनल की मेल आ चुकी है और वो चैनल मैं रिवील करूँगी आपको बहुत जल्दी। तो अभी मोनेटाइजेशन के लिए मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, जो भी मतलब प्रोसेस होती है वो हो चुकी है, गूगल पिन आएगा, पता नहीं मतलब क्या क्या आएगा, जो भी होगा मतलब वो देखी जाएगी, बस मेल आ चुकी है मोनेटाइजेशन की बस, क्योंकि क्राइटेरिया मेरा पूरा हो चुका था। और वो चैनल मेरा कौन सा है वो मैं जल्दी ही आने वाली वीडियोज़ में रिवील करूँगी। ये मेरा सेकंड चैनल है और यही मुझे एक्सपोज करना था, एक्सपोज क्या करना था, मुझे बताना था, आप लोगों को शेयर करना था। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज, इसीलिए मैं स्किन केयर भी करके बैठी हुई हूँ। तो गाइज़, आई होप आपको मेरा ये बहुत बड़ा वाला सच आपको पता चल गया होगा, और जल्दी से मैं चैनल भी रिवील करने वाली हूँ, और उस चैनल पे जाके भी आप करना। और उसमें ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, सब्सक्राइबर, उसमें सब्सक्राइबर उतने ही हैं जितना क्राइटेरिया चाहिए होता है, मतलब उससे थोड़े बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि जैसे इसमें है ना मेरे सब्सक्राइबर एकदम चले गए, पर उसमें सब्सक्राइबर थोड़े कम हैं, लेकिन मेरा क्राइटेरिया सारा पूरा हो गया था, इस वजह से मेरा मोनेटाइज हो गया। तो गाइज़, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा सुन के, और जिनको नहीं लगा उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती गाइज, आई एम सो सॉरी उन लोगों के लिए जिनको अच्छा नहीं लगा, और मोस्टली लोग ऐसे हैं जिनको अच्छा नहीं लगा होगा, बट मोस्टली जो ऐसे हैं जिनको अच्छा लगा होगा दिल से ही मेरे लिए। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, वो भी जल्दी से जल्दी आने वाली है, और मैं उसमें चैनल रिवील करूँगी कि वो कौन सा चैनल है। ओके गाइज, तो चलो।